हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई में स्वागत है। आज की रेसिपी है छोटे बच्चों के लिए लॉलीपॉप बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हम टाइगर बिस्किट से बनाएंगे। ये हमने 4 पैकेट टाइगर बिस्किट के लिए हैं और ये चॉकलेट सिरप लिया है हमने और ये हमने थोड़े से स्प्रिंकल्स लिए हैं। हमने मिक्सी का जार लिया है और अब हम टाइगर बिस्किट को खोलकर ये टाइगर बिस्किट हम इसमें डाल देंगे। ये हमने चारों पैकेट खोलकर मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। अब हम इसको पीस लेंगे अच्छे से। ये मेरे टाइगर बिस्किट अच्छे से पीस चुके हैं, ये देखिए। मैं अब इसको ये कांच के बाउल में निकाल लूँगी। ये हमारा पेस्ट देखिए अच्छे से पीस चुका है और इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया है। अब मैं इसका एक टाइट डोर तैयार करूँगी। ये चॉकलेट सिरप है, इसको डालूंगी मैं इसमें। ये इसमें सिरप मैंने 3 से 4 चम्मच डाला है, इसको मैं टाइट कर लूंगी। इसको मैं हाथ की मदद से करूंगी अच्छे से। डो अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये हमने 4-5 टूथपिक लिए और ये हमने एक बाउल में चीनी ली है ओनली डेकोरेशन के लिए। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे छोटे छोटे लॉलीपॉप की तरह। ये देखिए, ये हमारे बॉल्स बनकर तैयार हो गए। अब ये स्प्रिंकल्स है, इसमें मैं इसको मिक्स कर लूँगी इसके। ये देखिए, मैंने इस बॉल्स के ऊपर स्प्रिंग्स लगा दिए हैं और ये टूथपिक की हेल्प से, ये देखिए, इसको मैं इस गिलास में लगा दूँगी अच्छे से। इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। ये बच्चों के बर्थडे पे, किसी भी छोटे मोटे फंक्शन पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये डिश बहुत ही इजी से बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। इसी तरह से मैं सारे लॉलीपॉप बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए कितने ही क्रिएटिव लग रहे हैं। ये हमारी डिश बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना।